दोस्तों आज हम बात करेंगे GERD के बारे में। कई लोग इसको GERD भी बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा हम GERD इन चिल्ड्रन के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है और मैं डॉक्टर रोहित जैन होम्योपैथी का फाउंडर हूं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। GERD की फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसको एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। हमारे स्टमक में एसिड होता है जिसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। आप विश्वास नहीं करोगे, ये वही एसिड है जो बैटरीज में डलता है। पर हमारे स्टमक की बनावट ऐसी होती है कि ये एसिड वो इजिली हैंडल कर लेता है। पर हमारा इसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, वो इस एसिड को हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए जब स्टमक का एसिड फूड पाइप में उल्टा वापस आता है तो हमें जलन होती है, जिसको हार्टबर्न भी बोलते हैं। हर किसी को कभी कभार छाती में जलन हो सकती है, जैसे रिच स्पाइसी फूड खाने के बाद, बट दिस इज ओके। पर ये जलन, हार्टबर्न अगर रेगुलर फीचर बन जाए आपकी लाइफ का, तो इसका मतलब है आपको GERD की दिक्कत है। एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत तब हो जाती है जब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पूरी तरह बंद नहीं होता और स्टमक का एसिड उल्टा उसमें लीक हो जाता है, जिसके कारण इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको LES भी बोलते हैं, वो आपके फूड पाइप और स्टमक के बीच में होता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 1997 से कर रहा हूं, कि GERD की दिक्कत बहुत कॉमन है। पर हम इसको होम्योपैथी से परमानेंटली ठीक कर पाते हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, कैन होम्योपैथी ट्रीट GERD और एसिड रिफ्लक्स। इसका लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कई तरह की चीजें पेशेंट को GERD या GERD की तरफ ले जा सकती हैं, जैसे ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, हाइटस हर्निया, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, पेपरमेंट, विटामिन सी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड एंटासिड्स, एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन, रिच स्पाइसी फूड, चॉकलेट, ऑरेंजेस, टोमेटोज, अनियंस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनेच, मिल्क। सिम्टम्स ऑफ GERD। नंबर 1, खाना गले में वापस आना। ज्यादातर पेशेंट्स ये रात में एक्सपीरियंस करते हैं। इसके कारण गले में जलन होने लगती है। नंबर 2, खाना खाने के बाद छाती में जलन होना। नंबर 3, मुंह में खट्टा या कड़वा टेस्ट रहना। नंबर 4, खाना निगलने में दिक्कत आना। पेशेंट को गले में लंप इन थ्रोट की सेंसेशन होती है, चोकिंग होती है, चेस्ट पर प्रेशर फील होता है। स्वॉल्विंग डिफिकल्टी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इसोफेगस में अल्सर होना, कैंसर होना। एक अच्छा डॉक्टर इन सब बातों का ध्यान रखता है। नंबर 5, क्रॉनिक कफ। एसिड रिफ्लक्स पेशेंट के गले को बार बार इरिटेट करता है, जिसके कारण उसको खांसी बनी रहती है। नंबर 6, कुछ पेशेंट्स को वीजिंग, अस्थमा लाइक सिम्टम्स भी होने लगते हैं। नंबर 7, फेरेंजाइटिस, जिसके कारण गले में इरिटेशन रहती है, दर्द रहता है, सोर थ्रोट हो जाता है। नंबर 8, लैरिंजाइटिस, जिसके कारण पेशेंट की आवाज बैठ जाती है। नंबर 9, मुंह से बदबू आना, जो कि टूथब्रश करने के बाद भी ठीक नहीं होती है। नंबर 10, खट्टे डकार आना, खट्टा पानी गले में आना। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ GERD। GERD को प्रॉपरली ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नंबर 1, इसोफेजियल स्ट्रिक्चर। इसमें आपकी फूड पाइप का रास्ता छोटा हो जाता है, जिसके कारण खाना निगलने में दिक्कत होने लगती है।
बेसिकली एसिड रिफ्लक्स के कारण फूड पाइप में स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है जो रास्ते को छोटा कर देता है। नंबर टू, इसोफेजियल अल्सर। एसिड रिफ्लक्स के कारण फूड पाइप के अंदर छाले हो जाते हैं, वो अंदर से छिल जाती है, जिसके कॉज पेन, ब्लीडिंग एंड डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। नंबर थ्री, बैरेट्स इसोफेगस। ये बेसिकली प्री कैंसरस सिचुएशन है। इसमें एसिड रिफ्लक्स के कारण फूड पाइप की लाइनिंग में टिश्यू चेंजेस हो जाते हैं। आजकल मेरी प्रैक्टिस में छोटे बच्चे भी GERD की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, इनफैक्ट इन्फेंट्स भी आते हैं। बच्चों में सिम्टम्स रहते हैं रिपीटेड वॉमिटिंग, कफिंग, एस्मा, क्राइंग, नॉट गेनिंग वेट, लैक ऑफ एपेटाइट, बैड ब्रेथ, बेल्चिंग। और मैंने देखा है होम्योपैथी बच्चों में भी अमेजिंग काम करती है। GERD के बारे में और जानकारी के लिए, GERD के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।